तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यू और मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। वेल आफ्टर दैट एल्विश यादव फिर से ध्रुव राठी को थोड़ा सा ट्रोल किए अपने वीडियो के थ्रू। ऑलरेडी वो उनके अगेंस्ट एक हैशटैग को ट्रेंड कराए थे, बट कल फिर से उन्होंने ये ट्वीट करके बोला व्हाई इज दिस ट्रेंडिंग हैशटैग भारत विरोधी जर्मन पिल्ला। एंड जैसा कि आप ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन देख सकते हो, ध्रुव राठी के अगेंस्ट दो हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। एक यही वाला जो कल एल्विश ट्वीट किए थे एंड उनके वीडियो से हैशटैग आपका पिल्ला भी ट्रेंड कर रहा था। बट नॉट ओनली हिम, अभी एन यू भी फिर से उनको थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली उन्होंने ग्राफ अपलोड किया था ऑन विच कंट्रीज एक्सपोर्ट द मोस्ट वेस्ट, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा कचरा को एक्सपोर्ट करता है। तो नंबर वन में जर्मनी था। वही उन्होंने थोड़ा ट्रोल करते हुए लिख दिया जर्मनी को नहीं पता होता है कि अपने वेस्ट के साथ क्या करना होता है, तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज में। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो क्या एक यूट्यूब एम्प्लॉय भी मिस्टर बीस्ट को कंग्रेचुलेट करते हुए टी सीरीज को थोड़ा सा ट्रोल कर दिए? वेल गाइस मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया है कि मिस्टर बीस्ट अब नंबर वन यूट्यूब चैनल बन चुके हैं भाई। ऑलरेडी वो टी सीरीज के ऊपर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गैप ले चुके हैं। सालों से टी सीरीज नंबर वन पे थे, बट जैसे ही मिस्टर बीस्ट उनको क्रॉस किए तो एक यूट्यूब के एम्प्लॉय है यूट्यूब लियासन, उन्होंने ट्वीट करके बोला कांग्रेट्स मिस्टर बीस्ट एंड टीम, सो ग्रेट हैविंग अ क्रिएटर इन द टॉप स्पॉट अगेन। बेसिकली सेइंग कि अच्छा लग रहा है ये देखकर कि एक क्रिएटर नंबर वन स्पॉट में, नॉट अ कंपनी। तो क्या वो यहाँ पर टी सीरीज को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया? वेल एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा इवन यूट्यूब चाहते हैं कि टी सीरीज टॉप में ना रहे। तो इस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए बोले आई लव टी सीरीज, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि एक बच्चा जो कि सिर्फ यूट्यूब में ग्रो किया है वो अगर नंबर वन स्पॉट में रहता है तो इट विल बी इनक्रेडिबली इंस्पिरेशनल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मिस्टर बीस्ट टी सीरीज दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते रहेंगे या WWE और अनदर क्रिएटर उनको ओवरटेक करता है तो हम लोग सबके लिए सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट या ये सब्सक्राइबर वॉर से रिलेटेड मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करके बताया कि जिस दिन वो टी सीरीज को क्रॉस किए थे वो एक दिन में 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स गेन किए थे एंड इट वाज द मोस्ट सब्सक्राइबर्स जो वो गेन किए थे इन अ डे। भाई साहब ऑलमोस्ट मेरे पूरे यूट्यूब चैनल जितना वो एक दिन में गेन कर लिया यार, दिस इज नॉट फेयर। इसलिए बोलता हूँ अपने भाई को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर इंसान फुकरा इंसान वर्सेस थारा भाई जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस इन चारों के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ। वेल काफी दिनों से इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ तो चल रहा है, बट कल ट्रिगर इंसान अपने चैनल में डायरेक्टली थारा भाई जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट कर दिए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। करता हाँ। आज मैं मेरे हिंदुस्तान के भाइयों को इस आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। देखो मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी है और ये आदमी इतनी गर्मी में मजदूरी कर रहा है, आपको कैसा लगता है ऐसे मजदूरी करके? बहुत दुख में है, इतने सदमे में है। देखो दोस्तों मेरे हिंदुस्तान के दोस्तों बोल भी नहीं पा रहे हैं, मैं इसको खाना भी दे रहा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि हमारे इस मजदूर भाई की इतनी मदद हो जाए, इतनी मदद हो जाए कि बस मजा आ जाए। जय हिंद। कट होगी, कट होगी, वापस देख। सोशल मीडिया पे लोगों को कस्में दे दे के अपने फॉलोअर्स बढ़ाता हूँ और लोगों के कमेंट्स में जाके नाइस नाइस भी लिखता हूँ और अपने साथ एक गधा भी रखा हुआ है उसके साथ वीडियो बनाता हूँ। हमको फॉलो कर दो, हम देखो कितना भरा काम कर रहे हैं। लॉर्ड बोले लोग उसको। वेल आफ्टर दैट ऑफ कोर्स थारा भाई जोगिंदर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, ट्रिगर इंसान दिखाऊं तेरी औकात क्या है और तेरा भाई फुकरा इंसान की औकात क्या है? तुम लोगों का यूट्यूब चैनल थारा भाई जोगिंदर के नाम से भरा पड़ा है, तुम लोग पैसा खा रहे हो ना, कमा रहे हो जोगिंदर के नाम से। वीडियो डिलीट मांगता है थारा भाई जोगिंदर, कुछ भी करो कैसे भी करो 15 मिनट के अंदर वीडियो डिलीट। अगर तूने 15 मिनट के अंदर वीडियो डिलीट नहीं की तो सोशल मीडिया के अंदर वो तूफान आने वाला है जो आज तक इतिहास में नहीं आया। अबे तुम लोग है ना गरीब लोगों का मजाक ही उड़ा सकते हो, तुम लोगों ने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर कभी ये चीज दिखाई पब्लिक को? ये गौ माता यहाँ पर कैसा खाना खा रही है? जोगिंदर इन चीज को पर आवाज उठाता है तो तुम लोग रोस्ट मारते हो, ये देख रहे हो? कभी तुम लोगों ने ये दिखाया पब्लिक को कि ये लोग किस प्रकार भीख मांगते हैं? इस गर्मी के टाइम में तुम लोग एसी में सोते हो, कभी प्रमोट किया लोगों को ताकि इन लोगों की मदद हो पाए? इस पर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान उनके नॉर्मल कमेंट नाइस विद रेड हार्ट इमोजी डाले एंड फुकरा इंसान फिर से उनको ट्रोल करते हुए लिख दिए 150 रुपए पेटीएम पर प्राप्त हो जाएंगे। जिस पर रिप्लाई देते हुए थारा भाई जोगिंदर फिर से उनको ये कहे, क्या कमेंट कर रहा था? 150 रुपए फोन पे पर प्राप्त हो जाएंगे। पहले तो मेरे को बता तेरा नाम किसने रखा है? फुकरा बड़ा अच्छा नाम है। और इंसान, अबे डाउट है तेरे घर वाले को कि तू इंसान है या नहीं है? खोलू क्या सारी पोल सोशल मीडिया के अंदर जहाँ तू गेम खेल रहा है, जहाँ पर तू गेम खेलता था और अभी भी गेम खेल रहा है? समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ जा,
गेम, मुंह मत खुलवा मेरा वरना पूरी डिटेल खोल के दे दूंगा। और ये देख ले एक बार, पहचान रहा अभी कहां पर हूं मैं? तो तू ये मत सोचना कि मेरे को कुछ नहीं पता। बट या एज आई सेड, पुनीत सुपरस्टार भी इस कॉन्ट्रोवर्सी में, उनको भी रोस्ट किया जा रहा है, वो भी रिप्लाईज दे रहे हैं। तो फिर से वो ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के ऊपर एक वीडियो बनाया एंड उन्होंने ये कहा, अबे ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान दोनों भाई शर्म कर लो, शर्म। मुझे रोस्ट मार रहे हो, मुझे ट्रोल कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल को मैं फेमस करा दिया, और किनका मजाक उड़ा रहे हो? उन गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जिनको मैं खाना बांटता हूँ, अपनी यूट्यूब की वीडियो में मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अबे तुम दोनों भाइयों ने तो आज तक एक रुपए का किसी गरीब आदमी को खाना नहीं खिलाया होगा, या पुनीत सुपरस्टार ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लुटा दी। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं YouTube इंडिया से रिलेटेड बहुत बड़े एलिगेशंस के बारे में। तो गाइस, कुछ बड़े जर्नलिस्ट YouTube इंडिया के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं। जहां गाइस बेसिकली एक जर्नलिस्ट ट्वीट किए थे व्हिच इज गोइंग वायरल, इनका नाम है रोहन दुआ, एंड उन्होंने लिखा कि बीवेयर, मुझे सुनने को मिला है कि इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको 17 YouTube इंडिया एम्प्लॉइज के कुछ रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस वगैरह मिले हैं, जहां पर वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे शैडो बैन करते हैं एनी न्यूट्रल कवरेज ऑन इलेक्शंस एंड टू प्रमोट एंटी नरेंद्र मोदी ट्रैश। ऐसे पोल्स को इन्फ्लुएंस करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एंड मेरे को सुनने को मिला है कि भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है। भाई दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, बट ये प्रॉब्लम खाली उनके साथ नहीं हो रहा है, और भी काफी सारे जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है जो कि ये पोल्स वगैरह कवर कर रहे हैं। जैसे कि अजीत भारती भी इससे रिलेटेड ट्वीट करके बोले कि इन द लास्ट 45 डेज यूट्यूब ने उनके 35 वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया, जिसको वो अपील किए तो 32 वीडियोस वापस रीमोनेटाइज हो गया, बट वही रीमोनेटाइज करने में उनको 2-5 दिन लग जा रहा है, जिससे कि उनका पूरा नुकसान हो जा रहा है भाई वीडियो का। मतलब कि भाई 35 में से 32 बार कौन मिस्टेक कर सकता है यार। एंड उन्होंने भी कहा कि ये खाली मेरे साथ नहीं, और भी कई सारे चैनल्स के साथ हो रहा है। बट या एज आई सेड, ये खाली एलिगेशंस है, अभी कुछ ऑफिशियल न्यूज आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले GTA 7 के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, GTA 6 नहीं, मैं GTA 7 के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई फॉर द फर्स्ट टाइम Rockstar Games के जो पेरेंट कंपनी है Take-Two, वो GTA 7 को भी एक्नॉलेज किए। यस, GTA 6 के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो लोग GTA 7 को भी थोड़ा सा मेंशन कर दिए। Take-Two के CEO का कुछ इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, एंड वहां पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दो गेम्स के बीच में रिलीज गैप्स इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, तो वो इस कॉन्वर्सेशन के दौरान GTA 7 को भी मेंशन किए थे। भाई अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बताया जा रहा है कि अगर GTA 7 बनता भी है इसी रेट से जिस रेट से बाकी रिलीजेस आ रहे हैं, जैसे कि 2001 में GTA 3 आया था, उसके बाद Vice City, San Andreas, 4, 5, इन लोगों का गैप्स बढ़ते गया, 2 साल, 4 साल, 12 साल, तो इसी रेट में अगर GTA 7 रिलीज होता है तो वो 2049 में रिलीज होगा। आई होप सो वो लोग इतना टाइम ना ले। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा ग्लिच हो गया। बेसिकली कल वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज वर्सेस PNG का मैच था, एंड उसका जब स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा था तो सब जगह हार्दिक पांड्या का फोटो डिस्प्ले कर दिया गया। नाम तो सबके सही लिखा हुआ था, बट फोटोज आप देख सकते हो, बैटर्स के जगह में भी हार्दिक पांड्या का फोटो है और बॉलर्स के जगह में भी उनके ही फोटो है। बट यहाँ चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रवीना टंडन के वायरल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को क्लिप्स दिखाया था ऑफ रवीना टंडन रोड रेज इंसिडेंट, जहां पर मॉब टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गया था, एंड एलिजेडली उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, एंड वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे को मत मारो। अब इनिशियली उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहा था कि उनके ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहे थे एंड रवीना टंडन अटैक कर रही थी, बट बाद में सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हम लोग को दिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब रवीना टंडन भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट की, जहां पर पुलिस की तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट शेयर किया, एंड पुलिस बोले कि कंप्लेनेंट ने फॉल्स कंप्लेंट दिया इन द अलेज्ड वीडियो। हम लोग ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया, एंड हम लोग को पता चला कि रवीना टंडन के ड्राइवर बस कार को रिवर्स कर रहे थे, एंड उसी जगह से वही फैमिली लेन को क्रॉस कर रहे थे। तो फैमिली कार को रोककर बोल रहे थे एक बार रिवर्स करने से पहले चेक तो कर लेते, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो यही चीज के वजह से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुआ, एंड फिर रवीना टंडन भी बीच में आकर अपने ड्राइवर को बचाने लगी, बट फिर मॉब एक्ट्रेस को भी गाली वगैरह देने लगे। दोनों ने कंप्लेंट्स तो सबमिट किया था पुलिस स्टेशन में, बट दोनों ही पार्टीज ने कंप्लेंट्स को विथड्रॉ कर लिया, मतलब कि कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट पुलिस ने यह तक क्लियर कर दिया कि किसी को भी कुछ इंजरी नहीं हुआ था इस इंसिडेंट में, एंड ना तो ड्राइवर और ना ही एक्ट्रेस ड्रंक थे, कोई भी ड्रंक नहीं था। बट यार लोग अब रवीना टंडन से यह सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेंट क्यों विथड्रॉ किया। भाई मॉब उनके ऊपर पूरा चढ़ गए थे, उनको गालियां वगैरह दे रहे थे, तो वो कंप्लेंट क्यों विथड्रॉ की, उनको तो एक्शन लेना चाहिए। बट यार चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो पुलिस को सलमान खान की एक क्रेजी फैन को अरेस्ट करना पड़ा। वेल बेसिकली बताया जा रहा है कि सलमान खान के फार्म हाउस के बाहर एक 24 साल की उनकी
की फैन गई थी एंड वहां पर वो चिल्लम चिल्ली करने लगी कि मुझे सलमान खान से शादी करना है, मुझे मिलवाओ। ऑब्वियसली ये सब चीजें करना अलाउड नहीं है, आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। एंड वहां पर सलमान खान थे भी नहीं उस टाइम पे, तो आसपास के लोग पुलिस को कॉल कर दिए एंड पुलिस को डिटेन करना पड़ा उस औरत को। एंड फिर लेटर पुलिस एक एनजीओ के पास जाकर उनको दे दिए फॉर फर्दर काउंसलिंग। चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले आसिम रियाज वर्सेज रोहित शेट्टी के बारे में। तो गाइस रियलिटी शोज के दौरान आप कंटेस्टेंट्स के बीच में तो काफी सारे फाइट्स देखते होंगे, बट अपेरेंटली इस खतरों के खिलाड़ी सीजन के दौरान एक कंटेस्टेंट आसिम रियाज एंड द होस्ट रोहित शेट्टी के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एक स्टंट चल रहा था जिसमें कि आसिम रियाज हार गए थे एंड उसके बाद रोहित शेट्टी उनको कुछ बोल दिया थे, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। एंड यस लेटर आसिम को शो से किक आउट कर दिया गया। अब लेट्स सी उनको वापस शो में बुलाया जाता है या फिर सही में वो भगा दिए हमेशा के लिए। बट यहाँ चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो को ये ट्वीट करने की वजह से काफी हेट मिल रहा है। वेल गाइस आप लोग सुन ही रहोगे कि अभी इंडिया में हीट वेव का सिचुएशन बहुत ही सीरियस चल रहा है, लाइक लोग लिटरली अपना जान गवा दे रहे हैं। तो इसी के बारे में बात करते हुए जोमैटो की तरफ से एक ट्वीट आया था कि प्लीज अवॉइड ऑर्डरिंग ड्यूरिंग पीक आफ्टरनून अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लगे कि भाई ये तो आपके भी हाथ में है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्विसेज यूज ना हो ड्यूरिंग पीक आफ्टरनून तो आप सस्पेंड कर दो अपना सर्विसेज उन आवर्स में। बट कुछ लोग ये भी बताए कि आप फूड सर्विसेज में हो एंड पीपल फूड तभी मंगवाते हैं जब एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है, खाना को तो इग्नोर नहीं कर सकते है ना। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं चोर के ऐसे बड़े मिस्टेक के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। वेल गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक चोर अपेरेंटली चोरी करने के लिए घर में गया। अब वो घर जाकर सामान वगैरह चोरी तो कर लिया, बट उस रूम में एसी भी था एंड वो एसी ऑन करके सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लेते हैं। बट ये चीज उनके लिए महंगा पड़ गया क्योंकि वो सोते रह गए एंड फिर नेक्स्ट डे पुलिस आकर उनको जगाए। भाई लिटरली भाई उनके ये एक गलती की वजह से वो अरेस्ट हो गए। बट यार चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि फेंट हो गए थे ज्यादा हंसने की वजह से। जहां गाइस हैदराबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली एक फैमिली कॉमेडी शो देख रहे थे एंड एक 53 ईयर ओल्ड मैन कॉमेडी शो देखते देखते इतना ज्यादा हंसने लगे कि वो पहले अपना टी कप का कंट्रोल लूज किए, फिर वो अपने चेयर से गिर गए एंड वो फेंट हो गए, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। उनको फटाक से हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहां पर ही वॉज लेटर डायग्नोज विद लाफ्टर इंड्यूस सिंकोप। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी 54 वाइंस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन कैसल एफएक्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली वेब ही एसएसजे को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड मिस्टर बीस्ट एंड केएसआई के कोलैब वीडियो के बारे में। जहां गाइस इन तीनों के बीच में कोलैब वीडियो आने वाला है एंड मिस्टर बीस्ट ये चीज को कंफर्म किए। बेसिकली केएसआई ऐसे एक रैंडम ट्वीट किए थे अपने साइडमैन के न्यू वीडियो से रिलेटेड कि आपको कैसा लगा नया एपिसोड, जिस पर स्पीड रैंडमली उन पर गुस्सा होकर रिप्लाई कर दिए शट दी एफ अप, यू आर रूइनिंग माय मूड, नोबडी केयर्स। जिस पर केएसआई कहे भाई क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, मैं बस एक क्वेश्चन पूछा। जिस पर मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करते हुए बोले कि ओ बॉय जब हम लोग फिल्म करेंगे टुमारो तब मेरे को ही तुम लोग दोनों को संभालना पड़ेगा, काइंड ऑफ कंफर्मिंग कि इन तीनों के बीच में कोलैब वीडियो आने वाला है। बट यार टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो जब वो 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए इट ऑलमोस्ट वेंट रॉन्ग। बेसिकली जैसे वो 25 मिलियन हिट करने वाले थे सब लोग उनको अनसब्सक्राइब करने लगे थे एंड उनके लैपटॉप में भी बैटरी नहीं बचा हुआ था, तो ऑलमोस्ट उनका स्ट्रीम बंद होने ही वाला था। बट आगे क्या हुआ आप खुद देख लो। I keep telling you, I got four more, bro. I'm not trolling. Look, bro, 4 minutes remaining. Oh, God, I'm not trolling. Wallahi, bro. My laptop really about to go fucking dead. Please, sub up. Can y'all hear me? Oh, my God. Let's go! तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले बेटा स्क्वाड वर्सेस एएमपी के बारे में। तो गाइस टू ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब ग्रुप्स एएमपी वर्सेस बेटा स्क्वाड के बीच में कल एक फुटबॉल मैच हुआ था। मिलियंस ऑफ लोग इसको देखे, 7-8 लाख का इसका लाइव वॉचिंग तक चल रहा था एंड एंड मोमेंट में मैच इतना ज्यादा इंटेंस हो गया था कि दोनों के स्कोर 6-6 थे एंड एक्स्ट्रा टाइम चल रहा था, जो भी एक गोल स्कोर करता वो जीत जाता। बट देन फैंस एक बहुत ही घटिया हरकत किए, सब लोग पिच को इन्वेड कर दिए एक साथ, जैसा कि आप देख ही सकते हो यार सभी एक साथ घुस गए पूरा ग्राउंड में एंड इसके बाद को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैच को कैंसिल करना पड़ा एंड हम लोग को विनर नहीं मिल पाया। भाई दिस वाज वेरी रॉन्ग। बट यार चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।